हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे आज बड़ौदा डिवीजन की स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पूछा गया था 24/7/2021 को और इसमें सिर्फ 55 क्वेश्चन पूछे गए थे और निगेटिव मार्किंग भी था, इसमें निगेटिव मार्किंग भी था। अब स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें यदि आपको क्वेश्चन कोई गलत मिलता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन गलत ना हो, लेकिन हो जाता है क्वेश्चन गलत। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखें, कह रहा है पहला नंबर का क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में लाइट बताता है तो कोई रोशनी नहीं बताता, कोई बत्ती नहीं बताता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। कह रहा है कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में लाइट बताता है तो ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं देता है, और अगर ऑफ है तो वही एक पीली रोशनी देता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, डबल लाइन बी क्लास स्टेशन प्रस्थान आदेश क्या होता है तो अंतिम रोक सिग्नल या लोक लिख उठा है, रोक सिग्नल है। अंतिम रोक सिग्नल की आप स्थिति होती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं तो पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत कुल 3 प्रकार के होते। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऐसे तो हमको लग रहा है कि ऐसे कि 4 होते हैं, ए बी सी और स्पेशल क्लास, ए बी सी डी और स्पेशल क्लास होता है, लेकिन पूर्ण ब्लॉक पद्धति के अंतर्गत स्टेशन कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार। बड़ौदा के क्वेश्चन आंसर में जो दिया है वो 3 ही दिया हुआ है। आप लोग इसको कुछ समझ के लगाइएगा कौन सा सही हो सकता है। स्वचलित रोक सिग्नल पर लगे डिस्क पर क्या लिखा रहता है तो ए मार्कर लिखा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी क्लास स्टेशन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन पर प्रथम रोक सिग्नल कौन सा होता है तो ये होता है बी क्लास स्टेशन बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था के स्टेशन प्रथम रोक सिग्नल कौन सा होता है तो होता है प्रथम रोक सिग्नल होम सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग करने के लिए कौन सा रोक सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है तो स्टार्टर को ऑफ किया जा सकता है। शंटिंग करने के लिए कौन सी रोक सिग्नल को ऑफ किया जा सकता है स्टार्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग की अधिकतम गति क्या होती है तो मैक्सिमम 15 KMPH होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में लाइन के लिए देने की पर्याप्त दूरी फिक्सिंग के आगे ही होती है, फेसिंग के आगे होती है तो प्रथम रोक सिग्नल के आगे होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। पूर्ण ब्लॉक पद्धति में लाइन के लिए देने के लिए पर्याप्त दूरी फिक्सिंग के आगे भी होती है तो ये प्रथम रोक सिग्नल के आगे। 9 नंबर का क्वेश्चन है, जब स्टेशन से एक गाड़ी रनिंग थ्रू जा रही हो तब ऑफ साइड का पॉइंटमैन रात में कौन सी बत्ती बताएगा, सफेद बत्ती बताएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है तो 120 मीटर होती है। सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी 120 मीटर होती है। बहुसंकेती सिग्नल व्यवस्था में सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी कितनी, 120 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम सिग्नल फेल होने पर कौन सी अथॉरिटी दी जाती है, T3693 भी दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, जब कोई सिग्नल का स्थान बदला जाता है तो कितने दिन तक लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर जारी किया जाता है। 90 दिन दिया जाता है, लेकिन सेंट्रल रेलवे में जो है आपका 30 दिन ही है, याद रखना। ये भी हर डिवीजन का अलग अलग स्पीड कॉशन कितने दिन के लिए दिया जाता है वो अलग अलग है SWR के अनुसार। 13 नंबर का क्वेश्चन है, यदि स्टेशन मास्टर गाड़ी चलाने से पहले गेट से बात नहीं कर पाए तो लोको पायलट कौन सा प्रपत्र देगा,
पासन ऑर्डर सौंपकर गाड़ी को चलाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कासन ऑर्डर देने वाले नोटिस स्टेशन की जानकारी किस में होती है? तो ये WTT में होता है, वर्किंग टाइम टेबल में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, जब सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल का ए मार्कर बुझा बुझ जाता है तब उसे क्या समझा जाता है? तो वो मैनुअल समझा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 16 नंबर का क्वेश्चन है, अनुमोदित विशेष संदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? CRS के द्वारा जारी किया जाता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के द्वारा, रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर का क्वेश्चन, नॉन सिग्नल लाइन से गाड़ी को रवाना करते समय कौन सा अथॉरिटी दी जाती है? तो T511 दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। LHB के थर्ड AC कोच का कोड क्या होता है? ELWACCN होता है, ऑप्शन नंबर बी सही, ELWACCN होता है। वर्किंग टाइम टेबल में क्रू चेंजिंग स्टेशन के सामने क्या लिखा होता है? तो CC लिखा होता है, क्रू चेंजिंग। वर्किंग टाइम टेबल में क्रू चेंजिंग स्टेशन के सामने क्या लिखा रहता है? CC लिखा रहता है, क्रू चेंजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन इंटरलॉक पॉइंट पर गाड़ी की गति कितनी होती है? 30 KMPH होती है, ऑप्शन नंबर सी डी सही है। हर डिवीजन का अलग अलग स्पीड होता है, कहीं 15 होगा कहीं 30 भी रहता है, तो यहाँ पर बड़ौदा डिवीजन का है तो 30 KMPH है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब ट्रैप पॉइंट खुला होता है तब वह लोको पायलट की तरफ कौन सी डिस्क बताता है? तो लाल बताता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, जब गाड़ी स्टेशन पर अधूरी जाती है तो लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? लंबी छोटी लंबी छोटी सीटी, लंबी छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि गाड़ी चलते चलते दो भागों में विभाजित हो जाता है तो दिन में गार्ड को कौन सा हाथ सिग्नल दिखाएगा? हरी झंडी ऊपर नीचे करेगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। यदि गाड़ी चलते चलते दो भागों में विभाजित हो जाता है तो दिन में गार्ड को कौन सा हाथ सिग्नल बताएगा? हरी झंडी बताए ऊपर नीचे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर का क्वेश्चन, सिंगल लाइन में स्टेशन सीमा कहाँ से कहाँ तक होता है? तो दोनों सबसे बाहरी सिग्नल के बीच का भाग होता है। सिंगल लाइन में स्टेशन सीमा कहाँ होता है? दोनों सबसे बाहरी सिग्नल के बीच का भाग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस कलर लाइट सिग्नल में यदि कोई लाइट नहीं जल रही हो तो उसे क्या माना जाएगा? तो खराब सिग्नल माना जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दुर्घटना स्थल ARME भेजना हो तो कितने हूटर बजाएंगे? तो 4 हूटर बजाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्घटना राहत गाड़ी को दिन के समय निकलने और रवाना करने का समय कितना होता है? 30 प्लस 15 मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका अलग अलग डिवीजन के अलग अलग स्पीड होता है, कहाँ से कैसे निकाला जाएगा? 27 नंबर का क्वेश्चन, उसको आप लोग अपने डिवीजन के अनुसार देखिएगा। संट सिग्नल या संटिंग सिग्नल खराब होने पर किस अथॉरिटी पर संटिंग की जाएगी? तो सादा मेमो या हाथ सिग्नल के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार्टर सिग्नल खराब होने पर कैसे पास किया जाएगा? T3693B और हाथ सिग्नल के द्वारा पास किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंभीर दुर्घटना होने पहले 1 घंटे को क्या कहते हैं? तो कहते हैं गोल्डन आवर कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आयल टैंक वैगन का कोड क्या होता है? BTPN होता है, ऑप्शन नंबर सी सही है, BTPN होता है। कंटेनर लोड किए जाने वाले फ्लैट वैगन का कोड क्या होता है? तो BLCA या BLCB होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है, BLCA या BLCB होता है। केवड़िया स्टेशन का कोड क्या होता है? KDCY होता है, ऑप्शन नंबर सी KDCY होता है। किम स्टेशन का कोड बताइए? KYM होता है, किम, किम स्टेशन का कोड KYM होता है, बड़ौदा डिवीजन में होगा तो उसी को पता हो कौन कौन सा होता है।
कन्वेंशनल कोच के साधारण श्रेणी की कोच के कोड क्या होते हैं? जीएस होता है, साधारण कोच का जीएस होता है जन। 36 नंबर का क्वेश्चन, किसी छमाही में एलएपी का अधिकतम बैलेंस क्या हो सकता है? तो 300 प्लस 15 हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 37 नंबर का क्वेश्चन, ड्यूटी पर ना आने पर, ड्यूटी पर ना आने पर होगा, पर अधिकतम कितने समय में इंचार्ज को सूचित करना जरूरी है? 48 घंटे में। 38 नंबर का क्वेश्चन है, SF-11 मिलने पर अधिकतम कितने दिन में उसका जवाब देना जरूरी है? 10 दिन। हीरो के HOER के अंतर्गत 12 घंटे की ड्यूटी को किस रोस्टर में माना जाता है? EI के रूप में माना जाता है, EI। एक रेल कर्मचारी की पत्नी की जीवित रहते हुए कितनी शादी कर सकता है? एक भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री का नाम बताइए? तो वह अश्विनी वैष्णव है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस रेलवे स्टेशन की तक नजदीक है? तो केवड़िया के नजदीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है, ऑप्शन नंबर बी सही है। किस वृक्ष को राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं? बरगद को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर डी सही है। युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बुलेट ट्रेन की कार्य रेलवे की कौन सा उपकरण कर रहा है? तो NHRCL कर रहा है, NHRCL कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। योजना आयोग को खत्म करके कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। द थर्ड पिलर पुस्तक किसने लिखी थी? रघुराम राजन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत में शामिल होने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? तेलंगाना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियम कब बनी थी? 1976 में बना था, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजभाषा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत 14 दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनिवार्य रूप से तैयार किया गया है? धारा 3(2) के तहत। भारत के संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है। राजभाषा प्रचार प्रसार की दृष्टि से देश में कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों में। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस तरह से टोटल 55 क्वेश्चन था, समाप्त हुए। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसमें यदि कोई आपको क्वेश्चन गलत मिलता है तो उसका कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दीजिएगा। और अगला वीडियो फिर लेकर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।